नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। देश में जो कोरोना संकट है वो अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी संक्रमण जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि पहले जिस तरह से केस बढ़ रहे थे उसी रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। अब करीब 11-12 दिनों में जो मामले हैं वो दोगुने हो रहे हैं। और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका कहना है कि जून जुलाई तक जो है वो जो कोरोना पीड़ितों की संख्या है उसमें इजाफा होगा। हालांकि ये बात अब स्थापित हो चुकी है कि इससे बहुत ज़्यादा मौतें नहीं हो सकती हैं, इस पर हमने पहले भी बात की थी। लेकिन जो बड़ा संकट सामने आ रहा है वो संकट है रोज़गार का संकट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक संस्था है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उद्योग धंधों पर नज़र रखती है, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद ये जो 40-45 दिन करीब गए हैं, बल्कि 40 दिनों में ही 3 मई तक ही जो है करीब 12 करोड़ रोज़गार जो हैं वो ख़त्म हो गए। 12 करोड़ धंधे जो लोग काम करते थे उनका काम ख़त्म हो गया, और इसमें 75% ऐसे लोग हैं जो खुद छोटे मोटे काम करते थे, सड़कों पर फेरी लगाना, सब्जियां बेचना या दूसरी तरह की चीज़ों बेचना, और इस तरह से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। ये सारे धंधे जो है वो चौपट हो गए हैं, जिनकी संख्या करीब 12 करोड़ है। और इसमें बहुत सारे नौकरी करने वाले लोग भी हैं। और जो अब इस रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जो स्वयं रोज़गार कर रहे थे, जो जैसे कि वो फेरी लगाते थे, कोई छोटा मोटा सामान फुटपाथ पर बेचते थे और कोई इस तरह का काम करते थे, उनका तो रोज़गार शायद अगले कुछ दिनों में जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो वापस लौट जाएगा। लेकिन जिनकी नौकरी गई है उनके सामने लंबे समय तक ये संकट जो है बरकरार रह सकता है, क्योंकि उनको नौकरी बहुत समय तक नहीं मिल सकती है। अब जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके हिसाब से जो अप्रैल में करीब 1,80,00,000 छोटे व्यापारियों का धंधा जो है वो बंद हो गया। ये मार्च से ही चल रहा था, जब से मार्च के आखिरी सप्ताह में यानी 24 मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से इसकी शुरुआत हुई, और अप्रैल आते आते जो है वो करीब करीब 1,80,00,000 छोटे व्यापारियों का धंधा जो है वो बंद हो गया। देश में जो है लॉकडाउन से पहले की बात अगर करें तो करीब 7,80,00,000 छोटे धंधे थे, और इनमें से अब जो है 6 करोड़ बचे हैं और करीब करीब 1,80,00,000 जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और अगर इसमें इनमें काम करने वाले लोगों की बात करें तो 19-20 में जो छोटे रोज़गार थे उनकी संख्या करीब 40,04,00,000 के करीब हुआ करती थी, और 19-20 में ही घट करके ये 39.6 करोड़ हो गई थी। आपको ध्यान में होगा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन से पहले भयानक मंदी देश में जो है उसकी शुरुआत हो गई थी और बहुत सारे रोज़गार जो है ख़त्म हो गए थे, तो करीब 40 लाख से घट करके छोटे रोज़गारों की संख्या जो है 39,06,00,000 जो है वो बचे हुए थे। और अब जो है कोरोना संकट के बाद ये जो 40-45 दिन गुजरे हैं इनमें इनकी संख्या जो है सिर्फ 28,20,00,000 के करीब, 2,00,000 के करीब जो है वो बचे हुए हैं। और इस तरह से करीब करीब जो है 12,02,00,000 लोगों का रोज़गार जो है वो जा चुका है। अब ये जो बेरोज़गारी के आंकड़े हैं ये बहुत भयानक हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह मजदूर पड़े हुए हैं, कोई फैक्ट्री में काम करता था उसके पास काम नहीं है, कोई उसके सामने ठेले लगा करके और अपनी ज़िंदगी चलाता था खाना पानी बेच करके, उसके पास काम नहीं है। और इस तरह से जो स्थिति है वो निश्चित तौर पे हमें एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो कि आने वाले दिनों में बहुत गंभीर नतीजा दे सकता है। अब जो CMI की रिपोर्ट है उसके मुताबिक देश में इस समय जो बेरोज़गारी दर है 27.1% है, यानी करीब करीब 1/4 लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, यानी 4 में से हर एक आदमी जो है वो बेरोज़गार हो गया है, उसका रोज़गार जो है वो
उसके पास काम नहीं है। 25 मार्च के बाद के 40 दिनों का जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें से करीब करीब 5 में से एक आदमी की नौकरी जा रही थी, और ये धीरे धीरे बढ़ करके अब जो हो गया है वो 4 में से एक आदमी की नौकरी जा रही है। अप्रैल की अगर बात करें तो रोज़गार के तलाश करने वाले लोगों की संख्या जो है 35.4 करोड़ तक पहुंची हुई थी, और 3 मई के हफ्ते में जो है 36.2 तक जो है यह आंकड़ा पहुंच गया है। यानी हमारे सामने रोज़गार एक बड़ा संकट है, कोरोना से भी बड़ा संकट है। कोरोना सिर्फ संक्रमित कर सकता है, लेकिन जो रोज़गार की स्थितियां हैं वो जाहिर सी बात है कि ये वो लोग हैं जो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने तक घर पे बैठकर खाना नहीं खा सकते, और नतीजा ये होगा कि वो सब या तो भूखमरी के शिकार होंगे या भूख के कारण जब उनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता और इम्यूनिटी दोनों ही कम हो जाएगी तो फिर किसी भी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, हो सकता है कोरोना के भी शिकार हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत चिंता की बात है, और दुर्भाग्य ये है कि सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई भी संकेत नहीं मिल रहा है कि वो लॉकडाउन से बाहर आने की क्या तैयारी कर रही है, किस तरह से वो जो है ये जो करीब 12 करोड़ लोगों का रोज़गार चला गया है उनको रोज़गार दोबारा मिल सके, वो कामकाज में आ सके, उसकी शुरुआत कैसे होगी। जो स्थिति है उसकी गंभीरता का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि बहुत सारे व्यापारी जो मझोले हैं, जो छोटे हैं, वो अब खुलेआम कह रहे हैं कि मार्च में लॉकडाउन के बाद उन्होंने मार्च तक की सैलरी तो दे दी मजदूरों को, लेकिन अप्रैल की सैलरी वो नहीं दे सकते हैं, अप्रैल का वेतन वो नहीं दे सकते हैं। ये बात मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जो नौकरी कर रहे थे, जो लोग दिहाड़ी पर काम करते थे उनको तो शायद देने की कोई बात ही नहीं उठती है। तो इस तरह से ये जो है बहुत गंभीर स्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है। दुर्भाग्य ये है कि सरकार को एक एग्जिट पॉलिसी लेकर आना चाहिए, अभी तक नहीं है। हो सकता है कि मोदी जी जैसे वो अचानक एक चमत्कारिक तरीके से कोई नीति लाने की कोशिश करते हैं, जैसे नोटबंदी आई बिल्कुल अचानक, उन्होंने रात को 8 बजे टीवी पर संबोधन किया और रात को 12 बजे से नोटबंदी लागू, GST भी ऐसे ही अफरा तफरी जल्दीबाजी में लेकर आए, ऐसे ही बहुत अफरा तफरी और जल्दीबाजी में 24 मार्च को जो है वो लॉकडाउन की घोषणा की गई। तो मोदी जी अचानक शॉक देने की तरह घोषणा करने के आदी हैं, तो हो सकता है कि इस तरह से कर दें, लेकिन अभी उसकी कोई तस्वीर जो है वो सामने नहीं आ रही है। अब हम अगर देखें कि ये जो CMII ने जो आंकड़े तैयार किए हैं वो आंकड़े जो हैं कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड के जो कुछ आंकड़े हैं उसके आधार पर हैं। अब इनका कहना है कि अप्रैल 2020 में रोज़गार जो है वो गिर करके 39.6 करोड़ पर आ गया, और अप्रैल के आखिर तक जो है ये घट करके 28.2 करोड़ पर हो गया। मतलब यानी एक महीने में करीब करीब जो है 9-10 करोड़ लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए। अब इसमें एक और आंकड़ा महत्वपूर्ण सामने आया है कि जो बड़े उद्योग हैं उनमें से 23% जो हैं वो उन्होंने जो रिसर्च एजेंसियों को सूचना दी है उसके हिसाब से 19-20 में सैलरी वाले यानी हर महीने तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों की जो संख्या थी 8.6 करोड़ थी, और अप्रैल 20 में उसमें 21% की कमी आई और ये 6.8 करोड़ हो गए। यानी जो सैलरी वाले लोग हैं वो भी घट रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख क्या रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश में, कि किसानों की संख्या ज़रूर बढ़ गई है, किसानों की संख्या 5% बढ़ी है, यानी और करीब करीब माना जा रहा है कि 60 करोड़ और लोग जो हैं खेती करने लगे हैं। दरअसल इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो चकित होने की ज़रूरत नहीं है, ये वही लोग हैं जो लोग कि शहरों में रोज़गार कर रहे थे लेकिन रोज़गार खत्म होने के बाद वो खेती करने के लिए गांव चले गए हैं, उनके पास ज़्यादा खेत नहीं है, फिर भी जितना भी खेत है उसके आधार पर वो खेती कर रहे हैं। आज जो जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस बात की ज़रूरत है कि सरकार छोटे और मझोले उद्योगों के साथ मिल करके कोई रणनीति तैयार करे। सरकार इस समय दिखाई ये दे रहा है कि वो कुबेर का खजाना खोलने
की तरह व्यवहार कर रही है। यानी कुछ कैंप बना दिए गए हैं, वहाँ कुछ मजदूर रख दिए गए हैं, कुछ बेघर लोग रख दिए गए हैं और उनको खाना दिया जा रहा है। दरअसल इस सब को उत्पादकता से अगर जोड़ दिया जाए, यानी अगर जो छोटे उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग हैं, उनसे कहा जाए कि आप अपने मजदूरों को से काम लेना शुरू करो, आप जो उत्पादन है उसको शुरू करो, और सपोर्ट के तौर पर जो सरकार जो पीडीएस में जो सरकारी या सार्वजनिक राशन प्रणाली है उसमें जो अनाज देती है वो उन मजदूरों को देगी जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो जो उद्योग चलाने वाले हैं उनके सामने जो संकट है वो भी कुछ कम होगा और मजदूरों को काम भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। तो काम और खाना दोनों को एक साथ शुरू करने की ज़रूरत है। इसी तरह से सरकार और बहुत सारे कदम उठा सकती है, और उसमें से ये है कि बिजली, अगर सरकार ये कोशिश करे कि बिजली जो है कुछ समय के लिए, 2-3-4 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए उसकी कीमत नहीं ली जाए, तो जो उद्योग है उसकी लागत कम होगी और उद्योग चलाने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये आसान हो जाएगा। देखिए, ये बात बहुत समझना चाहिए, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि जो छोटे उद्योग चलाते हैं वो कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, उनके पास कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती है। वो साधारण छोटी मोटी पूंजी जो अपने आप से जमा करते हैं या बैंकों से लेते हैं या बाज़ार से उधार लेते हैं और उससे चलाते हैं। इस समय उनको समर्थन देने की ज़रूरत है, इस समय उनको ताकत देने की ज़रूरत है, और इस ताकत देने के क्रम में हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो सरकार राहत दे रही है उसको उद्योगों से जोड़ो, यानी जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको वो सब मिल जाएगा, जो राहत के रूप में मिल रहा था वो उद्योग में काम करते हुए मिल जाएगा, प्लस उद्योगों को कुछ ना कुछ राहत दी जाएगी। इस तरह से हमारा उद्योग जो है वो खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होने के बाद वो सक्षम होकर आगे अपना वजन जो है, अपना भार जो है वो खुद उठाने की स्थिति में आ जाएगा। रॉ मटेरियल की कमी है, मजदूर जो गाँव चले जा रहे हैं उनकी जगह कौन काम करेगा, ये बड़ी समस्या है। तो ये जो 12 करोड़ लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग आप देख ही रहे हैं कि केरल से लेकर के महाराष्ट्र तक जितने लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, जहां कहीं से भी आकर के काम कर रहे थे, वो अब घर जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। तो ये मजदूर अगर लौट जाएंगे तो और मुश्किल होगी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने यही किया, एक ट्रेन जो खड़ी थी जो बिहार के और दूसरे राज्यों के मजदूरों को उनके राज्य में ले जाने वाली थी उसको कैंसिल करा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ के कुछ उद्योगों ने उनसे अनुरोध किया कि अगर ये मजदूर चले जाएंगे तो हम फिर से अपना उद्योग शुरू नहीं कर सकते। ये देखिए बहुत गंभीर बात है, येदियुरप्पा की आलोचना की गई, आलोचना की भी जानी चाहिए। या तो वो पहले उद्योग शुरू कराते और मजदूरों को मोटिवेट करते कि वो बाहर नहीं जाए, लेकिन अगर वो शुरू नहीं करा पा रहे हैं तो उनको घर जाने से रोकना जो है वो एक तरह से एक सख्त कदम है, एक ऐसा कदम है जिसके लिए लोकतंत्र में जगह नहीं हो सकती है। तो इस तरह से हमारे सामने ये बहुत साफ बात है कि सरकार लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए छोटे उद्योगों के साथ मिल करके कोई रणनीति तैयार करे, जिसमें जो छोटे उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना उत्पादन शुरू कर सकें, बड़े उद्योग भी शुरू कर सकें, और उसके हिसाब से हमारा जो है वो देश और वो जो आर्थिक तंत्र है वो आगे बढ़ सके। अगर हम इस दिशा में सक्षम कदम नहीं उठा पाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा संकट आएगा। कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो भूख से संक्रमित लोग हैं उनके ठीक होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो satyahindi.com पर लॉगिन करके आप हमें बता सकते हैं। आप satyahindi.com से और करीब से जुड़ना चाहें तो हमारे इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, आप उसे दबाएं, वहाँ आप देख सकते हैं कि आप हमसे और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।